हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही है एनसीईआरटी, आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, तो कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, आई फ्लू वगैरह हो गया था मेरे को, तो इस वजह से हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट टेंशन ना लो, अभी आपको रेगुलरिटी के साथ लेक्चर मिलेंगे, बेफिक्र रहो बिल्कुल। और जो आपका ये नुकसान हुआ है 8-9 दिन का, एक सब हम कवर कर लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, आप लोग बस कॉपरेट करना, थोड़ा सा मैनेज करना बस चीज को, और ये चीज हम मैनेज कर लेंगे अपने आप। जितना भी आपके दिन खराब हुए हैं वो सारे हम सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने सुंगा डायनेस्टी पढ़ ली थी और सतवाहना डायनेस्टी पढ़ ली थी और कनिष्क हमने नहीं पढ़ा था, बट हाँ कुशन डायनेस्टी हमने पढ़ ली थी अच्छे से, और जो फॉरेन इन्वेशन मतलब ग्रीक इन्वेशन हुए थे, बैक्ट्रियंस वगैरह, वो सब हमने देख लिए थे। आज जो बेसिकली हमें करना है, हमें कनिष्क पढ़ना है। कनिष्क कौन है? फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी कौन है? कनिष्क, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही खतरनाक लेवल का बंदा था, क्या क्या चीजें उसने करी वो मैं सारी बताऊंगा आज आपको। गंधारा आर्ट और उसके सेलेंट फीचर देखेंगे और उसके बाद हम मथुरा आर्ट देखेंगे। बस आज बेसिकली ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। के बाद अपना आ जाएगा संगमेज, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट है, फिर अपना गुप्ता एम्पायर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेन पकड़ते हैं क्योंकि वो जरूरी है बहुत ज्यादा। शुंगा रूल एंड इट्स इंपॉर्टेंस हमने देख लिया था, और द सतवाना रूल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर कल्चर देख लिया था, सकाज एंड बैक्ट्रियंस देख लिया था। कनिष्क आज ये वाला टॉपिक करना है, और ये टॉपिक, ये दो टॉपिक बचे हैं, इनको निपटाते हैं जल्दी से और ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। कुशन डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, अब हम बात करेंगे कनिष्क से। इसका टाइम पीरियड है 78 से 120 एडी। कनिष्क कौन? फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी। ठीक है, तो चलो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, कनिष्क वॉज द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है कनिष्क, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द साका एरा। साका एरा का फाउंडर है, जो कि स्टार्ट हुआ था 78 एडी से। ठीक है, he was not only a great conqueror but also a patron of religion and art. कहने का मतलब ये है, ये एक बड़ा great conqueror मतलब बड़ा विजेता ही नहीं है, बल्कि सब धर्मों को इसने follow किया, सब धर्मों की इज्जत वगैरह की, तो धर्म के प्रति भी ये बिल्कुल सज्ज था, कहने का मतलब ये। इसके बाद हम बात करते हैं कनिष्का conquest, कनिष्का की विजय के बारे में बात करते हैं, कहाँ का युद्ध हुए, कहाँ का fight हुई, कैसे कैसे क्या चीज इसने। ये मूर्ति देख रहे हो भाई साहब, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का। हेडलेस स्टैचू क्यों होगा इसका? कोई रीजन इसके पीछे क्यों हो सकता है भाई? हेडलेस स्टैचू क्या मुंह दिखाने लायक नहीं बचा किसी को भाई? इतना कब काम किया तो मुंह दिखाने लायक तो बचा होगा, जाहिर सी बात है, पर चलो को होगी कुछ बात, देखते हैं। एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन इज एम्पायर इंक्लूडेड अफगानिस्तान, गांधारा, सिंध एंड पंजाब। जब ये अपना साम्राज्य फैला रहे थे भाई साहब, तब उन्होंने अपना साम्राज्य कहां तक फैलाया? अफगानिस्तान, गांधारा, सिंध और पंजाब तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। सब्सिक्वेंटली ही कंक्वर्ड मगध एंड एक्सटेंड हिज पावर एज फार एज पाटलिपुत्र एंड बौद्ध गया। उसने मगध कैप्चर कर लिया, मगध पर विजय प्राप्त करी और अपनी जो पावर है वो कहां तक फैलाई? पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी, और बौद्ध गया, बिहार में जगह है जहां पर क्या हुआ था बताओ, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां तक इसने अपनी पावर को फैलाया था। अकॉर्डिंग टू कल्हाना एक शख्स है, उनके मुताबिक ये कहा गया, कनिष्का इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इट। कनिष्का ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उसको उस पर कब्जा कर लिया, कश्मीर पर भी, ध्यान रखना। His coins are found in many places. उसके जो सिक्के थे, उसने अपने सिक्के बनवाए थे, सिक्के भी उसके काफी जगह पाए गए हैं, जैसे कि मथुरा में और कौशंबी में, बनारस में और ये श्रावस्ती में। एंड ही मस्ट हैव कंक्वर्ड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द गैंगटेक, गंगा के मैदानों को, मतलब उसने गंगा के मैदानों का अधिकांश पार्ट उसने कैप्चर कर लिया था, कहने का ये भी है। ठीक है, बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल पे उसने बदतमीजी काटी थी, काफी हद तक इसने अपने आप को एक्सपेंड किया था। ठीक है, He also fought against Chinese. ये चीनियों के खिलाफ भी गया था, चीनियों के खिलाफ भी इसने युद्ध लड़े थे, हालांकि पहले तो पिट के आया था बट बाद में पीट के भी आया था। ठीक है, चीनियों के खिलाफ इसने युद्ध करे एंड acquired some territories from them. उनकी भी कुछ टेरिटरीज इसने अपने मिला थी, बहुत ही खतरनाक दिमाग का बंदा था भाई साहब, इसने उनकी भी टेरिटरीज कुछ अपनी मिलानी थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन, पहला आक्रमण जब हुआ तो भाई साहब पिट के आए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन ही वॉज डिफीटेड बाय द चाइनीज जनरल पांचो। पांचो नामक एक शब्द, एक शख्स, शब्द कह रहा हूँ यार, क्या निकल रहा मुझे, पांचो नामक एक शख्स ने, आगे बैठो तुम, इधर रखो, इधर आओ, तुम लड़ने आए उससे, तो चमाट खाओ, चमाट खाने का कि भाई साहब अब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं पीछे को, तो भाई साहब ये आ गए, लेकिन ये बात लगी दिल पे।
अब जब दिल पे लगी तो भाई ने सोचा मारूंगा तो जरूर, रुकूंगा नहीं, मारूंगा जरूर। तो इसने क्या काम का, थोड़ी सी प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बीच लेकिन एक नुकसान हुआ कि इसको मारा था पांचों ने, अब इसका जो दूसरा बैटल हुआ ना वो पांचों के बेटे से हुआ। पांचों बेचारा थोड़ा सा जरा उम्र कम लेकर आया था, तो वो निकल लिए जरा, वो चले चल बसे। ठीक है, तो अब जब वो चल बसे तो जो उनके बेटे थे जिनका नाम था पान्यंग, ऐसे ऐसा नाम है यार, पांचो पान्यंग, अच्छा पांचो से निकल के आया पान्यंग, अब पानियन से क्या निकल के आएगा यंग, क्या है यार भाई, पांचो पान्यंग यंग, फिर उसके बाद नाम ही गायब हो जाएगा। तो पांचो से क्या हुआ कि पांचो ने उनको पीट दिया रख के, और पांचो से उनके पांचो थोड़े से उम्र कम लेकर आए, वो चल बसे। उसके बाद जो सेकेंड बैटल हुई भाई, उन्होंने कहा कि हराऊंगा जरूर, अब है तो इसका बेटा ही भाई। जब अब एक जगह यहाँ पे भी आती है ना कि भाई अब भाई पिता के कर्मों की सजा बेटे को क्यों मिले, है ना। तो लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे क्या कहा, कनिष्क ने क्या कहा कि जब पिता की कमाई हुई प्रॉपर्टी बेटे को मिल सकती है तो उसके पापा की सजा क्यों नहीं मिल सकती। बात भी सही है यार वैसे तो, अगर सोचा जाए थोड़ा सा। पॉइंट ये भी है ना कि जब अब पिता की कमाया हुआ साम्राज्य है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके जितनी भी चीजें, वो सब बेटे को मिल सकती है, तो जो उनने कुकर्म करे हैं उनका दंड भी तो किसको मिलेगा। अगर उसको नहीं मिल पाया तो उनका दंड भी बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, तो उसने क्या काम करा कि चलो बेटा अब तुम, मतलब इसने सोचा कि भाई तेरे तेरे पिताजी ने मेरे को मारा था, अब मैं तेरे को मारूंगा। तो इनमें लड़ाई हुई, इनमें लड़ाई हुई, तो कनिष्क ने उसे पीट दिया रख के भाई, सब कुछ तू बेटे पिटेगा और पीट दिया। ही अंडरटुक अ सेकंड एक्सपेडिशन, सेकंड एक्सपेडिशन हुआ इन विच ही वाज सक्सेसफुल एंड ही स्कोर्ड अ विक्ट्री ओवर पन्यंग। पन्यंग से के ऊपर उसने विजय प्राप्त करी, जो कि पांचों का बेटा था। कनिष्क एनेक्स एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ काशगढ़ झारखंड एंड खोतान इनटू हिज एम्पायर। जो चाइनीज टेरिटरीज थी ना, ये इसने अपने एम्पायर में मिला दी, तो बहुत ही खतरनाक लेवल का बंदा था। ठीक है, द एम्पायर ऑफ कनिष्का वॉज अ वास्ट वन एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधारा इन द वेस्ट, मतलब गांधारा से लेकर बनारस तक फैला, कश्मीर से लेकर मालवा तक फैला, ये सब इसमें दे रखा है कहाँ तक फैलाया। हिज कैपिटल वॉज पुरुषपरा, जो अभी पेशावर कहलाया जाता है, मॉडर्न डे में हम उसको पेशावर के नाम से जानते हैं, तो वो उस टाइम पुरुषपरा था जो उस टाइम पे कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, मथुरा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सिटी इन द एम्पायर, मथुरा एक अनदर इंपॉर्टेंट सिटी थी जहां से ये लोग जाना वाना इनका रहता था। ठीक हो गया, तो कनिष्क की विजय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन थोड़ा देखना जरूरी है, थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है हमको। वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कनिष्क एंड बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं। कनिष्क और बुद्धिज्म का आपस में क्या, मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों का, बुद्धिज्म से कैसे कनेक्ट है कनिष्क का, वो चीज हम देखेंगे। कनिष्क एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब अपनाना होता है। कनिष्का एम्ब्रेस बुद्धिज्म इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रीजन, उन्होंने शुरुआती दौर में ही अपने बुद्धिज्म को अपना लिया था। हाउएवर हिज कॉइन्स एग्जिबिट्स द इमेज ऑफ नॉट ओनली बुद्धा बट ऑल्सो ग्रीक एंड हिंदू गॉड्स। कहने का मतलब ये कि धर्म के प्रति वो इतनी इज्जत करता था, हर एक धर्म के प्रति, जो उसके सिक्के थे उसके सिक्के में खाली बुद्ध की इमेज मेंशन नहीं थी, और धर्मों की इमेज और हिंदू गॉड जो है उनकी इमेज भी मेंशन थी दोनों तरफ। ठीक है, तो ये भी एक चीज, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि कनिष्क जो था वो बेसिकली मतलब हर धर्म को, ये नहीं कि उस अपने धर्म को ही महान मानता था, सब धर्मों को वो पालन करता था, सब धर्मों की इज्जत करता था। तो ये चीज हमको इस पॉइंट से देखने को मिली है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट रिफ्लेक्ट द कनिष्का टॉलरेशन टुवर्ड्स अदर रिलीजन, मतलब दूसरे धर्म के प्रति उसकी क्या भावनाएं हैं वो इस चीज से दिखाई जाती है। ठीक है, इन द एज ऑफ कनिष्का द महायान बुद्धिज्म केम इन टू वोग। कहने का मतलब ये है, केम इन टू वोग का मतलब है कि पीक पर आया, पीक पर आया मतलब कि इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब कि लोगों की नजरों में आया। क्या महायाना बुद्धिज्म बेसिकली एक कल्चर है, बुद्धिज्म का ही कल्चर है महायाना, महायाना तो वो पीक पर आया, मतलब बहुत ज्यादा लोग और उसको फॉलो कर रहे थे। इट इज डिफरेंट इन मेनी एस्पेक्ट फ्रॉम द रिलीजन टॉट बाय द बुद्ध एंड प्रोपोगेट बाय अशोका। अब ये बुद्ध के द्वारा टॉट किया गया था, मतलब बुद्ध के द्वारा ये बनाया गया था, और इसको फैलाया किसके द्वारा गया था, अशोका के द्वारा। ठीक है, अशोका ने बहुत बुद्धिज्म फैलाया था, ध्यान रखना। द बुद्ध केम टू बी वर्शिप विद फ्लावर गारमेंट्स परफ्यूम एंड लैम्प्स। अब क्या करा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कल्चर और निकल के आया, यहाँ पर ये लोग फूल वगैरह, फूल वस्त्र इत्र और जो दीपक वगैरह था, इन सब, दीपक का जो वो हुआ है ना, जैसे हम दीपक आरती करते समय दीपक बुलाते, तो वो यहीं से निकल के आया ये वाला कॉन्सेप्ट, कि वो दीपक से पूजा करने लग गए थे। मूर्ति पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी, हालांकि पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन मूर्ति पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी। फूल वगैरह चढ़ाने लग गए थे अपने, उनमें फूल वगैरह और वस्त्र वगैरह ये सब चीजें वो करने लग गए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स डेवलप इन महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म में इमेज वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा और रिचुअल्स रीति रिवाज वगैरह सब कुछ डेवलप होने लग, सबका डेवलप मतलब विकास होने लग गया था। ठीक है,
कनिष्का ऑल्सो सेंट मिशनरीज टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द न्यू फेथ। मिशनरीज बोले तो एक सुलह का प्रस्ताव कह लो, या फिर एक मतलब वो कह लो कॉम्प्रोमाइजेशन कह लो किसी तरह का, कि चाइना से कॉम्प्रोमाइज कि भैया अब हम नए रिश्ते शुरू करते हैं, तो ज्यादा हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी कुछ है अपना प्यार से कर लेंगे। ठीक है, बुद्धिस्ट चैत्याज एंड बिहार्स वर बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। चैत्याज एंड बिहार्स मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी पूछा था और अभी भी मैं पूछ रहा हूँ। चैत्याज एंड बिहार मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, उससे पहले वाले लेक्चर में ही बता रखा है, तो काफी बार मैंने बता दिया। चैत्याज मैं बता देता हूँ आपको, जहां पर भिक्षुक वगैरह ये सब अपनी पूजा करते हैं वो एक प्लेस को चैत्याज बोलते हैं। बिहार आप मेरे को बताओ क्या होते हैं। ठीक है, ही पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक वाशुमित्र, अश्वघोष एंड नागार्जुना। ये कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इनके साथ इसने मतलब संरक्षण किया था और चीजों का। ही ऑल्सो कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई? कनिष्क ने कराई। ठीक है, ही ऑल्सो कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू डिस्कस मैटर। अब इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता था कि जो भी रीति रिवाज वगैरह जो भी चीजें फॉलो करते थे उन सबका डिस्कशन किया जाता था कि ये चीज हम फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, इट वॉज हेल्ड एट कुंदलवाना मोनेस्ट्री नियर श्रीनगर इन कश्मीर, यहाँ पर हुई थी। और इसमें अबाउट 500 मॉन्क्स, 500 भिक्षुक आए थे, इस काउंसिल में अटेंड किया था 500 भिक्षुक ने। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वही है कि बुद्धिस्ट काउंसिल में होता यही है कि जो अपने रीति रिवाज, जो अपना प्रोस्पेक्टस है, वो सब लोगों के सामने रखा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि भैया हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और इस चीज में कैसे और सुधार किए जा सकते हैं, यही चीजें होती थी बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, अश्वघोषा वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। कहने का मतलब अश्वघोषा एक ग्रेट फिलोसफर थे, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इनकी एक बुक, इन्होंने एक मतलब पोएट थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी है बुद्ध चरिता, ध्यान रखना अश्वघोषा नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने फिलोसफर है, उन्होंने बुक लिखी है बुद्ध चरिता, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना बुद्ध चरिता किन्होंने लिखी, अश्वघोषा ने। नागार्जुना फ्रॉम अदर अराउंड द कोर्ट ऑफ कनिष्का। नागार्जुना ने एक अलग मतलब अलग तरीके से जो कनिष्का का कोर्ट है उसको अटेंड किया था। और तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने कनिष्क और बुद्धिज्म के बीच में क्या रिलेशन था वो सब भी देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गंधारा आर्ट की। वहां पे आर्ट कहने का मतलब एक कला, जो कि दो कला बेसिकली, गंधारा आर्ट और मथुरा आर्ट, इनमें डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज थी। तो ये कुछ आर्ट्स वगैरह निकल कर आए हैं सामने, इनको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट कह भी सकते हो कि नहीं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी में वैसे बहुत ही माइनर रेयर केस होता है, बाकी इतने ज्यादा कुछ खास है नहीं। The home of the Gandhara School of Art is a territory in the around Peshawar in northwest India. The best of Gandhara sculpture was produced during the first and second century AD. First or second century AD के time पे Gandhara art या basically कला है, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना, pillars वगैरह पे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वैसे उनको Gandhara art एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, कला का नाम है basically। ठीक है, तो यहाँ पर first और second century AD में काफी ज्यादा ये चीजें देखी गई, मतलब गंधारा आर्ट काफी ज्यादा देखा गया। इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इंडो ग्रीक रूलर्स, बट द रियल पैट्रोन ऑफ द स्कूल ऑफ आर्ट वर द साकाज एंड द कुशांस, पर्टिकुलरली कनिष्का। कहने का मतलब यह है कि इंडो ग्रीक जो पर्सन थे, इनके मिश्रण से ये आर्ट निकल कर आया था, लेकिन जो इनके रियल जन्मदाता थे वो कौन थे? साकाज और कुशांस, स्पेशली कनिष्क इसके रियल दादा थे। कनिष्क ने ही गंधारा आर्ट ये शुरू किया था। गंधारा आर्ट वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन, ग्रेको रोमन, इंडियन और ग्रेको रोमन के मिश्रण से मतलब बनाया गया था गंधारा आर्ट। मतलब गंधारा आर्ट कहने का मतलब ये, इसमें आपको इंडो और ग्रेको रोमन जो पर्सन है इनका मिश्रण दिखेगा आपको, इनके कल्चर्स का। ठीक है, स्पेसिमेंस ऑफ गंधारा कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन तक्षशिला। जो कुछ स्पेसिमेंस हमको जो कुछ प्रूफ्स वगैरह मिले हैं ना, वो कहाँ मिले? तक्षशिला में मिले हैं, पेशावर में मिले हैं, और नॉर्थ वेस्ट के कुछ पोर्शन है वहां पर हमको इसके पार्ट मतलब पोर्शन मिले हैं कि भाई ये गंधारा आर्ट का एक नमूना है। The Gandhara School made sculpture of Buddha in various sizes. Gandhara School जो थे जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती थी, वहाँ पर बुद्धा के काफ़ी अलग अलग साइज के, काफ़ी अलग अलग टेक्निक से बुद्ध के जो आर्ट थे वो बनाए गए थे, अलग अलग शेप्स और पोस्चर के। पोस्चर क्या होते हैं? जो फिगर वगैरह बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके की फिगर बनाई गई थी। द रिलीफ डेवे बुद्धा बर्थ, और इसमें क्या दिखाया गया था कि बुद्धा का जन्म, उनका जो जीवन का संघर्ष है, और उनकी मृत्यु, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मिली आपको, धर्म चक्र परिवर्तन कैसे हुआ, वो चीज़ें इसमें मेंशन होती थी। ठीक है, द सेलियंट फीचर ऑफ गंधारा आर्ट आर। अब गंधारा आर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो चीज हम देखते हैं। मोल्डिंग ह्यूमन बॉडी इन अ रियलिस्टिक मैनर विद मिनट अटेंशन टू फिजिकल फीचर लाइक मसल्स, मस्टेक एंड कर्ली हेयर।
कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देते थे। कहने का मतलब है कि लोग बार जो जेंट्स होते थे वो मूछों पे ज्यादा रखते थे, मतलब मूछे वगैरह अच्छे से एकदम रौबदार मूछे रखते थे, और बॉडी वगैरह अपनी फिट, जिम जिम तो होती नहीं थी उस टाइम पे, बट जिम नहीं लेकिन वो ऐसे मसल्स वगैरह अपने बिल्ड कर लेते थे। भाई पुराने जमाने के तो आपको जानते हो बहुत छह छह फिट के होते थे, महाराणा प्रताप अपने 6 फिट के, 80 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, जब ऐसे ऐसे चलती है तो मजा आ जाता है देखने में, है ना। तो इस टाइम पे लोग ऐसे होते थे, लंबे चौड़े तगड़े होते थे और मसल्स वगैरह वो अच्छे से बिल्ड कर लेते थे। अब उनका खान पान ही ऐसा होता था भाई साहब, और मूछे वगैरह वो भर के रखते थे। ठीक है, थिक ड्रेपरी विद लार्ज एंड बोल्ड फोल्ड लाइन। अभी थिक ड्रेपरी क्या होता है? थिक ड्रेपरी बोले तो ये एक सजावट का एक मतलब जो आजकल सजावट के लिए जिसको नाम दिया जाता है ना, जैसे कि पेंसिल्स वगैरह या फिर कोई भी चीज होती है, तो बेसिकली सजावट करने का एक आइटम है ये। ड्रेपरी जो होता है सजावट करने का एक आइटम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिलमन। चिलमन बोलते हैं हिंदी में सजावट करने का ड्रेपरी। तो बेसिकली वहां पर सजावट वगैरह लोग बार भी करते थे। ठीक है, रिच कार्विंग इलेबोरेट ऑर्नामेंट्स एंड सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब ये जो वहां पर चीजें बना दी जाती, जो भी स्कल्पचर, जो भी मतलब मूर्तियां वगैरह वहां पे बनाई जाती थी, उसमें जो डिजाइन रहता है, जैसे सपोज करो बुद्धा की मूर्ति बनाई है, तो उसमें क्या है कि आपको उनके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ हमको दर्शाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्माइल होती है, या फिर कुछ ऐसा फेस का एक्सप्रेशन हो जाता है जैसे मेरा अभी है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। तो ये कुछ फेस का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जिससे हम चीजें समझ जाते हैं कि ये आदमी परेशान है, खुश है, क्या है, तो वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा नोटिस करी गई। ठीक है, द मेन थीम वॉज द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इनका जो मेन थीम थी वो ये थी कि बुद्धिज्म को नए तरीके से ये लोग दिखाना चाह रहे थे, कि भैया नए तरीके से, मॉडिफाइड तरीके से ये लोग दिखाना चाह रहे थे। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड द इवोल्यूशन ऑफ एन इमेज ऑफ बुद्ध। और लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज, मठ, मोनेस्ट्रीज बोलो तो मठ, और लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज वॉज ऑल्सो बिल्ट फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी एडी। फर्स्ट से लेके फोर्थ सेंचुरी एडी के बीच में काफी सारे मठ बनाए गए। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है अबाउट 15 मोनेस्ट्रीज वर फाउंड इन एंड अराउंड पेशावर और रावलपिंडी। पेशावर और रावलपिंडी के इर्द गिर्द में 15 मठ पाए गए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? पेशावर और रावलपिंडी के इर्द गिर्द। द बुद्धिस्ट स्तूपास इरेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर, द हाइट ऑफ द स्तूपा वाज रेज्ड एंड ऑर्नामेंटेशन वाज एडेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। कहने का मतलब है काफी सारे स्तूपा वगैरह बनाए गए थे जिनकी हाइट ऊंची ऊंची कर दी थी इन्होंने, काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए रेलिंग्स वगैरह इन्होंने लगा दी थी। ठीक है, दीज चेंजेस मेड द स्तूपा मोर अट्रैक्टिव। अब ये जो जितने भी डिजाइन वगैरह थे ना, जितने डिजाइन वगैरह ये लोग देते थे, तो इससे क्या होता था कि जो स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, आकर्षित लगता था बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई गांधारा आर्ट की। अब हम बात करेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, क्योंकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी थोड़ा सा उस टाइम पीक पे आ रहा था। समझते हैं क्या चीज है। द स्कूल ऑफ आर्ट दैट डेवलप्ड एट मथुरा, मथुरा में ये डेवलप किया, जो कि मॉडर्न उत्तर प्रदेश में है, जिसको हम मथुरा आर्ट के नाम से जानते हैं। मथुरा आर्ट बेसिकली डेवलप किया गया। अब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके की देखने को मिलेंगी। इट फ्लरिश इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसका निर्माण हुआ, मतलब काफी ज्यादा देखा गया, मतलब फ्लरिश बोले तो जो वो कहते हैं ना भैया अब तो ये चल रहा है, इसका टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे बेसिकली मथुरा स्कूल ऑफ मथुरा आर्ट का इस टाइम टाइम चल रहा था कि बहुत ज्यादा लोग बार इसको बढ़ावा दे रहे थे। इन इट्स अर्ली फेज, शुरुआती दौर में, द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ऑन इंडिजियस लाइन। ठीक है, द बुद्धा इमेजेस एग्जिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग इन द फेस विच वॉज लार्जली एबसेंट इन द गांधारा स्कूल। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या होता था कि जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई थी, उसमें से स्माइली फेस हो गया, या फिर कोई ऐसा जो कोई अगर व्यक्ति परेशान है तो उसका परेशान वाला फेस हो गया, तो उससे क्या है कि इतना जज नहीं कर पाते थे। बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बकायदा जैसे पानी बह रहा है ना, ऐसे करके जो पानी वाली मूर्तियां होती हैं, जैसे ऐसे करके हाथ रखते हैं वो पानी बह रहा होता है उसमें से, इस तरह की मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिली। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कहने का मतलब बहुत ज्यादा डेवलप था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से। तो जो चीजें गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स में नहीं देखने को मिली, वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में देखने को मिली। जैसे कि कोई राजा है, राजा का कोई सेवक है, तो सेवक उनके ऐसे करके बैठा हुआ है, ये मूर्तियां देखने को मिली है। राजा अपना तलवार लेके ऐसे खड़ा है नॉर्मल बाहुबली स्टाइल में, और नीचे सेवक बैठा है कटप्पा स्टाइल में, है ना। मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, फिल्म के जो कैरेक्टर है उनको बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से मतलब इस तरह की मूर्तियां देखने को मिली, काफी मॉडिफाइड मूर्तियां देखने को मिली है। द मथुरा स्कूल ऑल्सो कार्व आउट द इमेजेस ऑफ शिवा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, हालांकि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं मिली है, बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ये लोग शिव की मूर्ति भी देते थे, मतलब शिव और विष्णु भगवान की मूर्तियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। किनके साथ? पार्वती और लक्ष्मी जी के साथ। बकायदा शिव भगवान की मूर्ति पार्वती जी के साथ, और विष्णु भगवान की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ बकायदा प्रॉपर तरीके से पाई गई। कहने का मतलब मूर्ति पूजन तो शुरू हो गया था
और यहाँ पर ये लोग मूर्तियां भी अच्छे से बनाने लगे, डिजाइन करने लग गए। यहां से हमको आइडिया मिलता है द फीमेल फिगर्स ऑफ यक्षिणीज एंड अप्सराज ऑफ द मथुरा स्कूल और ब्यूटीफुली। यक्षिणीज और अप्सराज की बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियां मथुरा आर्ट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिजाइन यहाँ पर किया गया था, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सक्सेसर्स ऑफ कनिष्क एंड द एंड ऑफ कुषाण रूल की। कनिष्क के सक्सेसर कौन था, मतलब किसने उसका राज्य आगे चलाया और एंड कैसे हुआ कुषाण रूल का, वो देख लेते हैं एक बार। द लास्ट सक्सेसर ऑफ कनिष्क रूल फॉर अनदर 150 ईयर, जो लास्ट सक्सेसर थे कनिष्क रूल के, उन्होंने 150 साल तक, मतलब 150 साल तक उन्होंने राज वगैरह किया था। हुविष्का, हुविष्का वॉज द सन ऑफ कनिष्का, कनिष्का का बेटा था हुविष्का, कनिष्का हुविष्का, कनिष्का हुविष्का, ये चलता रहता है इनमें, और हुविष्का का बेटा निकल जाएगा शुविष्का, और शुविष्का का कुविष्का, जो भी है इनके नाम ऐसे चलते रहेंगे। एंड ही केप्ट द एम्पायर इंटैक्ट, मथुरा बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी अंडर हिज रूल। कनिष्क के टाइम पे मथुरा इंपॉर्टेंट सिटी था। लाइक कनिष्का ही वॉज ऑल्सो पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, जो इसका बेटा था हुविष्का, हुविष्का वो भी बुद्धिज्म मतलब फॉलो करता था, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा। द लास्ट इंपॉर्टेंट कुषाण रूल वॉज वासुदेव, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट इंपॉर्टेंट कुषाण रूल वासुदेव थे। द कुषाण एम्पायर वॉज वेरी मच रिड्यूस इन हिज रूल, कहने का मतलब वासुदेव बहुत ही ढीले ढाले व्यक्ति थे, तो इनके राज में, इनके राज में जो कुषाण रूल था ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ, काफी ज्यादा लोग वालों ने इसका रिवोल्ट किया और इनसे नहीं संभाला गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड इन एंड अराउंड द मथुरा, मथुरा के पास इनकी काफी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस पाई जाएंगी। He seems to have been a worshipper of Shiva. After Vasudev, Pretty Kushan princes ruled for some time in northern west India. कहने का मतलब ये है कि ये शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इन्होंने बहुत ज्यादा पूजा की थी शंकर भगवान की, ठीक है। उसके बाद कुशान प्रिंसेस ने उन्होंने कुछ समय तक राज किया, फिर वो ये चीजें खत्म हो गई। इसके बाद आ जाएगी संगमेश, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है, संगमेश के बाद आ जाएगी। तो ये आपका टॉपिक, कहने का मतलब लेसन 7 पोस्ट मॉडर्न इंडिया यहाँ पर समाप्त हो गया है, ठीक है। पांचों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, पांचों चीजें हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होंगी। कोई भी डाउट है आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो उसका जवाब दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो उसका जवाब दिया जाएगा, टेलीग्राम पे पूछ लो, जो दूसरा पेज है उसमें अपने आंसर्स पोस्ट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो, उसमें आंसर्स पोस्ट करो, मैं उसका रिव्यू करूंगा और आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको, क्या और चीजें करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग देख लेंगे, टीम वर्क करेगी उस पर, और जो भी कुछ है आपका, जो भी डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। और आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ शॉर्ट समरी, और जो मैंने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस पूछें तो क्वेश्चंस के आंसर बताओ, वरना शॉर्ट समरी 4-5 लाइन में दे दो, जिससे कि हम टीसीएस किंग बनाएंगे, वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज आप मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में, वहां से हम टीसीएस किंग बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीज अच्छी लगती है, काफी ज्यादा आप सीरियस लगते हो उस चीज को देख के, तो वो चीज हम अट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनसीईआरटी बढ़िया चल रही है, अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करो, थैंक यू।